के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी भी की करते हैं, चूंकि एक अहम मंसूबे पर काम चल रहा था। और अच्छी खबर है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट की एक सुरंग जिसकी खुदाई का काम मुकम्मल हुआ, लेकिन ये वो छोटी सुरंग है जिसका काम मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास था, जिसने इस सुरंग की जानकारी दी है। चूंकि बहुत सारे हिस्से इसके हैं, कुल लंबाई जो वो 14.15 किलोमीटर बनती है, और हर मौसम में यहाँ पर बेहतर रबता हो सकेगा लद्दाख और कश्मीर वादी को जोड़ने के लिए। उसके लिए बाकायदा जो काम शुरू हुआ था और पिछले दिनों इस काम में मजीद तेजी विंटर्स के दौरान भी लाई जाए, मरकजी वजीर जो नितिन गडकरी, उसकी नितिन जानिब से गडकरी जब उन्होंने दौरा किया था उस जगह का, हाल ही में जब उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया तो उस जुलजुला टनल पर भी उन्होंने काम का जायजा लिया है। उसके बाद ही उसमें मजीद सूरत लाई गई इस काम में, और उसके नतीजे ये हुआ कि आज एक सुरंग की खुदाई का काम मुकम्मल हो चुका है। ये जो काम करने वाली तामीराती कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जोजुना टनल प्रोजेक्ट की एक सुरंग जो है उस पर खुदाई का काम मुकम्मल हो चुका है। 14.15 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है जिस पर ये काम मुकम्मल हो चुका है, और माना जाता है कि आने वाले दिनों में इस पर जो है बाकी मादा काम जो है वो भी मुकम्मल किया जाए, और ट्यूब टू जो है, सुरंग दो जो है, उस पर भी लगातार काम चल रहा है, और आने वाले दिनों में भी उस पर भी काम मुकम्मल किया जाएगा। ये वो सुरंग है जिसकी वजह से श्रीनगर लेह का तकरीबन 5 घंटों का सफर जो है वो कम होता है, यानी 5 घंटे अब कम लगेगी जब ये टनल पूरी तरह से मुकम्मल होगी, आमदरफ्त के लिए बहाल होगी, तो 5 घंटे का सफर आपको कम होगा। जिस तरह से सफर के दौरान श्रीनगर से लेह जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, तो उसकी वजह से जो सफर में मुश्किलें बढ़ जाती थी, चाहे विंटर्स की बात करेंगे या जब ये रास्ता बंद रहता है बर्फबारी की वजह से, तो कहीं ना कहीं इस रास्ते के बहाल होने की वजह से ही अब लोगों को आराम भी मिल सकता है और फायदा भी मिल सकता है। हैदराबाद बेस्ड मील इंस्ट्रक्शन कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही है, और उसने एक और ताज़ा स्टेटमेंट जारी किया। हालांकि कुल लंबाई जो है सारे टनल्स को जब आप मिलाकर देखते हैं, कश्मीर वादी से लेह लद्दाख तक जोड़ने का, और इसके बीच में बहुत मुश्किल रास्ते भी आते हैं जहां पर कटिंग करना इंतहाई मुश्किल है, मौसमी हालात भी ऐसे हैं जो इजाजत नहीं देते, लेकिन साथ साथ सर्दी भी काफी ज्यादा रहता है। तस्वीरें आप पुरानी देख रहे हैं, लेकिन बात ताज की हो रही है, एक सुरंग मुकम्मल हुई है। सलीम वानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, कौन सी ऐसी सुरंग थी जो बहुत कम वक्त में मुकम्मल कर ली गई, और क्या पहले के मुकाबले जुजिला टनल पर इस वक्त तेजी से जो काम है कटिंग का, बाकी प्रोसीजर जो होना है पूरा प्रोसेस चल रहा है, तेजी से काम जारी है इस वक्त, और ये कौन सी सुरंग है जिसको मुकम्मल किया गया है? देखिए आसिफ, जो टनल का मामला है, जो टनल जो बन रहे हैं श्रीनगर लेह के लिए, दो टनल बन रहे हैं। एक टनल बन रही है गगन गेट टू सरमर, 2 साल पहले मुकम्मल होना था, लेकिन उसमें जो पिछली बार डिले हुआ था, लेकिन पिछले 2 साल से उसमें भी काम मतलब पार्लियामेंट मतलब डॉक्टर फातुल्ला ने उसके एक ट्यूब में भी वो एक ऑपरेशन सोनमर्ग से थोड़ी टाइम आगे चलना पड़ता है, तो उधर से लेकर 0 पॉइंट तक जो सोजिला कवर करता है, उसका जो ट्यूब है, एक ट्यूब जो पूरी तरह से उसको बहुत ही जल्द इन्होंने सुरंग को मतलब पाई तकमील पहुंचाया, और उसका ही आपने जिक्र किया है कि उसका काम मुझे लगता है काफी कम टाइम में इन्होंने सुरंग को बनाया गया है। हाल ही में जब इसका जो एमडी है उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी बालटाल में, जो हमने भी चलाई थी, कि इस टनल को हम काफी जल्द हम काम करेंगे, क्योंकि काफी दबाव भी रहता है श्रीनगर लेह को इशारा पर। पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि हम विंटर में भी सोनमर्ग दोजिला को खुला रखेंगे, लेकिन उसमें शायद गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि जो दोजिला का ट्रैक है, जो दोजिला का जो रोड है, उसमें जब विंटर आता है, दिसंबर का महीना आता है, काफी हवाएं आती है, काफी लैंडस्लाइड आते हैं, एवलांचेस आते हैं, वहां पे किसी की बस की बात नहीं होती है। इसी तरह जो काम चल रहा है इस टाइम माइनस चल रहा है वहां पे दोजिला में भी, और गगन ये तो बिल्कुल मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन ये जब दिसंबर के आसपास क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, चूंकि कुछ दिन बाकी रहे हैं, इस साल के भी 30-35-40 दिन है, तो नए साल के आगाज से हम क्या उम्मीद करें कि ये जो टनल छोटी छोटी बन रही है यहाँ से थोड़ी बहुत नकलो हरकत हो सकेगी कुछ गाड़ियों की, या किसी तरीके से चलने की इजाजत, या कोई रूट एक्स्ट्रा बन पाएगा?
देखो आसिफ, जो मैं यही बात करता हूँ कि जो पहला वाला टनल है उसका एक ट्यूब तैयार है, हालांकि उनमें गाड़ियां भी पास होती है, लेकिन अगर ये वो गाड़ियां इसमें स्टार्ट करने शुरू हुई तो इनको काम में दिक्कत आती है। इसी तरह जो दूसरा वाला पैनल ट्यूब है, अभी जो दोजिला वाला पैनल जो आप जिसकी आज जिक्र करते हो, जब इन्होंने अभी खुदाई उसमें की, अब उसमें वो होता है सीमेंट का काम होता है, उसमें जो दूसरे वाले काम होते हैं, तो उसको खुदाई होगी कंप्लीट। मुझे लगता है कि जो अगले साल में 2022 में जो एमडी जो टनल का टनल का था, उसने ये बताया कि 2021 में हम जो वो पहला वाला फेज है गगन गेट टू सोनमर्ग उसको हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो सेकंड फेज है दोजिला तो वहाँ गुमरी से लेकर दोजिला जो क्रॉस करता है उसको मुझे लगता है कि अगले साल मुश्किल है, लेकिन उस पर काम इस हिसाब से चलता है, मुझे लगता है कि वो टाइम वक्त जो उसका वक्त मुकर्रर किया गया है उससे पहले ही स्टार्ट करेंगे, मुकम्मल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सलीम वानी हमारे साथ थे। एक सुरंग जिसकी खुदाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है और जो पिछले हमने देखा था कि 2 माह कबल वादा किया था मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने, वो हो सकता है कि तय डेडलाइन से पहले ही उन्होंने कहा था कोशिश है, चूंकि ये टनल जो है स्ट्रेटेजिक एतबार से भी काफी अहम है।